जब मैं फायर बना रही थी मुझे पता था कि मेरी अगले फिल्म वुड बी अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 में पार्टीशन हुआ था और फिल्म पार्टीशन पर बनी, दैट इज वाई द टाइटल 1947। में सिर्फ एक ग्रुप पर कॉन्सेंट्रेट किया डायरेक्टर ने या कहानी ने, कहानी सिर्फ एक 20-25 लोगों की कहानी है कि इन 20-25 लोगों पर क्या गुजरी पार्टीशन के दौरान। आइस कैंडी मैन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। काश तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते, चांद तो है ही, सितारे भी साथ हैं। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यही कैरेक्टर पसंद आया। एज एन एक्टर आई फेल्ट दैट दिस इज समथिंग आई हैव नॉट डन, समथिंग दैट आई वुड लाइक टू ट्राई। मैंने बहुत लोगों का सोचा था बट आई नेवर मेड दैट कमिटमेंट टू एनीबॉडी एज यू नो एज आई डिड टू आनंद। जैसे उन्होंने रोल को जस्टिफिकेशन दी है, एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी प्राउड ऑफ हिम। हुस्न की चक्की चली, एक दाना फंस गया, तुम फंसे तो क्या फंसे दिलनवाज, सारा जमाना फंस गया। एक 8 साल की बच्ची है, 8-10 साल की बच्ची, और उसका नाम है लेनी फिल्म के अंदर। शी इज अ यंग चाइल्ड सो लॉट ऑफ थिंग्स शी डजंट अंडरस्टैंड, तो व्हेन शी इज सीइंग अराउंड हर कि क्या हो रहा है तो वो इन चीजों को समझने की कोशिश कर रही है, क्यों ये सब हो रहा है। There's a lovely scene between Anir, Nandita and Maya, the little girl who plays Lenny, which is superb. पागल हो क्या? अरे कुछ नहीं शांता बीबी, बस धूल पोंछ रहा हूँ, कम बस लाहौर में बड़ी धूल हो गई है। 1947 में नंदिता का रोल बहुत अलग है, far more difficult role. She's really drawn because to keep that walk, that line, really requires focus and dedication. और जो नंदिता ने बहुत अच्छी तरह दिखाई है। The film is trying to say that it was a futile exercise, and I personally believe that as human beings, all of us have a right on the world that we are living in. मुझे लगता है कि as far as the acting is concerned, there's not one false moment in the film. It's a very complete, very dedicated film.